ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ या बहुला गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। महिलाएं इस व्रत को संतान की रक्षा के लिए रखती हैं। इस साल चतुर्थी का व्रत कब है, यानी बहुला चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और क्योंकि ये व्रत चंद्र दर्शन के बाद चंद्र देवता की पूजा के बाद ही खोला जाता है तो चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, ये आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। बहुला चौथ के दिन पुत्रवती स्त्रियां अपनी संतान की, अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं तो निसंतान महिलाएँ भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्त्रियां अपने बच्चों की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए कुम्हारों द्वारा मिट्टी से भगवान शिव, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी और गाय की प्रतिमा बनवाती हैं। इसके बाद मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ प्रतिमाओं को स्थापित करके फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। इस व्रत में महिलाएँ पूरा दिन निराहार रहकर शाम को मिट्टी की गाय और शेर बनाकर उसकी पूजा करती हैं। पूजा में भगवान को भोग लगाने के लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस प्रसाद को बहुला गाय को अर्पित किया जाता है जिसे बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। बहुला चौथ के दिन भगवान श्री गणेश के साथ ही कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कामधेनु नाम की गाय बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा के पास पहुंच गई। एक बार श्री कृष्ण भगवान बहुला की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने सिंह रूप में प्रकट हुए और बहुला गाय को खाने का प्रयास करने लगे। ऐसी कठिन परिस्थिति में और अपनी जान जोखिम में पड़ी देखकर बहुला गाय सिंह को देखकर बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भी बहुत लाकर जल्दी ही आपका आहार बनने के लिए वापस आ जाऊंगी। बहुला ने सिंह को ये विश्वास दिलाने के लिए सत्य और धर्म की शपथ ली। फिर अपने वचन के अनुसार बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर उस भूखे सिंह के पास वापस आई तो उनके धर्म और सत्य को देखकर कृष्ण भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। सभी माताओं और बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में हरे चारे का दान भी गाय के निमित्त करना चाहिए और गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाना आज के दिन बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2023 में बहुला चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी है 3 सितंबर रविवार के दिन और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। हालांकि चतुर्थी तिथि एक दिन पहले प्रारंभ हो रही है, ऐसे में हो सकता है तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन अधिकतर लोग इस बार 3 सितंबर रविवार के दिन ही व्रत रखेंगे। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर शनिवार की रात 8:50 से और समाप्त होगी 3 सितंबर रविवार की शाम 6:24 पर। तुम्हें चंद्र देवता की पूजा करना चाहते हो तो इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:31। 2 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:13 और इसी समय के बाद से अपना उपवास आप कभी भी खोल सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:51 तक। अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 4:30 से शाम 6 तक रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से जरूर बचें। अगर आप बहुला चौथ की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आज इस कथा को भी जरूर